ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि 10 इयर्स तक का आप जो है इसका ईएमआई करवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको होगा वो आपको 8.9% होने वाला है, वो आपका अकॉर्डिंग टू सिविल और अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल लगने वाला है। आपका जो ये 100% रिफंडेबल अमाउंट होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं टाटा के शोरूम में और पीछे आप देख सकते हो क्या लगी हुई है, नेक्सॉन ईवी और वो भी क्या है, डार्क मॉडल। तो इसका हम लोग आज फुल फाइनेंस डिटेल्स कवर करने वाले हैं, इसका वॉक अराउंड भी लेंगे, तो मतलब इसका एक शोरूम प्राइस क्या होने वाला है उसकी बात करेंगे, इसका ऑन रोड प्राइस क्या होने वाला पटना में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो है इसका आरओआई क्या है, बुकिंग अमाउंट क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसकी बात तो करेंगे ही। तो बिना स्किप के चैनल के साथ हमारे बने रहो, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स जो आपको अवेलेबल कराता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो है हम लोग इस मॉडल की बात कर लें जो हमारी नेक्सॉन है, नेक्सॉन ईवी। तो इसका मॉडल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो बैचिंग, तो इसका मॉडल जो है आपको नेक्सॉन ईवी 2.0 एग्जिट प्लस है। अगर इसमें हम लोग आगे बात करें, एग्जिट प्लस लक्स है ये, इसमें आपको सनरूफ मिलने वाली है। और इसके अगर चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग किस तरह का आपको मिलने वाला चार्जर, 7.2 किलोवाट का आपको इसमें चार्जर मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एक शोरूम प्राइस जो कि आपको पटना में होने वाला है। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो आपको पटना में होगा वो आपको होने वाला है, गेस करो, तो वो आपको होने वाला है 19,54,000। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या होगा, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो आपको पटना में होने वाला है वो आपको होगा 22,06,587 रुपीज़। जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट, सेकंड डाउन पेमेंट और साथ ही साथ इसका थर्ड डाउन पेमेंट क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट का बात कर लें, तो इसका जो फर्स्ट डाउन पेमेंट होने वाला है वो आपको होगा 3,30,988 रुपीज़। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका ईएमआई का जो कि इसका 3 इयर्स का होने वाला है। जो 3 इयर्स का जो इसका ईएमआई होने वाला है वो आपको होगा 59,424 रुपीज़। अब बात करते हैं 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स में जो इसका ईएमआई जाएगा वो आपको होने वाला है 38,706 रुपीज़। और अब हम लोग बात करते हैं 7 इयर्स का, तो 7 इयर्स में इसका ईएमआई कितने जाने वाला है, तो 7 इयर्स में जो इसका ईएमआई होगा वो होगा आपको 29,939 रुपीज़। अब चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड डाउन पेमेंट पे, तो सेकेंड डाउन पेमेंट जो आपका होगा वो आपको होगा 5,51,646 रुपीज़। तो आपको जो ईएमआई जाने वाला है 3 इयर्स के लिए वो आपको होगा 52,405 रुपीज़। अब बात करें 5 इयर्स की, तो 5 इयर्स में जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो आपको होगा 34,134 रुपीज़। और चलिए अब हम बात करते हैं 7 इयर्स का, तो 7 इयर्स में जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो आपको होगा 26,402 रुपीज़। अब थर्ड डाउन पेमेंट, तो थर्ड डाउन पेमेंट क्या होने वाला है, तो उसकी बात जो है आपको सर बताएंगे कि इसका डाउन पेमेंट कितना होने वाला है थर्ड, और प्रॉपर डिटेल्स जो है आपको सर अवेलेबल कराएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले इसका थर्ड डाउन पेमेंट पर बात कर लें, तो थर्ड डाउन पेमेंट जो आपको होने वाला है वो आपको होगा 11,32,090 रुपीज़। जी हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका 3 इयर्स का ईएमआई का, तो वो आपको होने वाला है 34,956 रुपीज़। अब बात करते हैं 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स में जिसका ईएमआई जाएगा वो होगा आपको 22,769 रुपीज़। और साथ ही साथ हम लोग बात कर ले इसके 7 इयर्स की ईएमआई की, तो 7 इयर्स का जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो आपको होगा 17,611 रुपीज़। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका आरओआई क्या लगने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको होगा वो आपको 8.65-9% होने वाला है, वो आपका अकॉर्डिंग टू सिविल और अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल लगने वाला है। अगर शोरूम डिटेल्स की बात करें, शोरूम कहाँ पे आपका होने वाला है पटना में, और इसका जो एग्जीक्यूटिव हमारे हैं उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो सारा डिटेल्स जो आपको सर अवेलेबल करा रहे हैं, आप उनसे जानो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि 3 तरह के आपको प्रोफाइलिंग होते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकंड आपका हो जाएगा बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर हो जाएगा आपका NIP। तो NIP क्या होता है, तो NIP का प्रॉपर मतलब हो गया नॉन इनकम प्रूफ। अगर आपको सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट शो कर रहा है स्क्रीन पे, ये आपको लगने वाला है गवर्नमेंट प्रोफाइल का, सेकंड नंबर पे जो आपको शो कर रहा है वो आपको लगने वाला है बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर पे आप NIP चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का जो आपको डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फीचर एंड फैसिलिटी की, और किस तरह का इसमें आपको कॉस्मेटिक इंटीरियर एक्सटीरियर मिलने वाला है उसकी भी बात करते हैं। और से पहले हम लोग बुला लेते हैं अमरनाथ सर को, ताकि प्रॉपर डिटेल्स जो हम लोग शोरूम का ले सके, शोरूम कहाँ पे आपको होने वाली है, और इनफैक्ट बुकिंग करने के लिए जो है आप किस एग्जीक्यूटिव से बात करके आप बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉपर जो आपको डिटेल्स अवेलेबल करा सकें, और जो आपका चॉइस डाउन पेमेंट होगा वो भी आप कर सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अमरनाथ सर को बुलाते हैं और प्रॉपर डिटेल्स जो है आपको लेते हैं, और साथ ही साथ इसका एक्सटीरियर इंटीरियर व्हील बेस सब कुछ बात करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहो।
ओके गाइस, तो हम लोग जो है अभी इसका प्रॉपर डिटेल्स देने वाला है, शोरूम डिटेल्स हमारा क्या होने वाला है, बुकिंग अमाउंट क्या होगा और बुकिंग डिटेल्स क्या होगा, ताकि जो हमारे आप लोग व्यूवर्स हैं वो किस तरह से बुक कर सकते हैं, और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी क्वेरी हो आप क्लियर कर सकें। इनफैक्ट आपका जो भी चॉइस डाउन पेमेंट होगा वो आप कर सकते हैं, सर से आप डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले इसका की तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, कुछ इस तरह का आपको की मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इसका बुकिंग अमाउंट का, तो सर बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है? सर बुकिंग अमाउंट आप 21,000 से करा सकते हैं। अगर सर कोई चाहे मिनिमम बुकिंग अमाउंट करना चाहते हैं, मिनिमम 11,000 से, 11,000 से बुकिंग कर सकते, मिनिमम जो है आपको 11,000 से बुक कर सकते हो। और एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, क्या आपका जो ये 100% रिफंडेबल अमाउंट होगा, तो मतलब जो भी आपका बुकिंग होगा अगर आपका एक्सटेंड करते हैं आप किसी भी रीजन से, कि अगर बाद में लेना गाड़ी है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा। ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। अब चलिए हम लोग सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं और शोरूम डिटेल्स जान लेते हैं कि शोरूम कहाँ पे होने वाला है प्रॉपर। तो सर शोरूम कहाँ पे आपका एग्जैक्ट होने वाला है? ये शोरूम हमारा मेन कंकड़बाग मेन रोड कुम्हरार पार्क के जस्ट बगल में है। ओके, अनन्या ऑटो एजेंसी। ओके सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा ताकि जो हमारे व्यूअर्स पटना से देख रहे हैं, पटना से अगल बगल से देख रहे हैं, यूपी या आपको, क्योंकि इधर और कोई तो अनन्या के अलावा कोई यहाँ पे डीलर है नहीं जहाँ पे ये मिलने वाली है। सर मेरा नाम अमरनाथ हुआ, मैं यहाँ पे सेल्स एडवाइज़र हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9135947093। सर मैंने जैसे कि फाइनेंस डिटेल तो ऑलरेडी कवर करके सर बता दिया, तो अगर सर कोई चाहे अगर 7 ईयर से ज़्यादा ईएमआई बनवाना तो वो करवा सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका 10 ईयर्स का भी फैसिलिटी है। ओके, 10 ईयर्स तक का आपको ऑप्शन मिलेगा, पीएनबी से आप 10 ईयर्स का भी फाइनेंस करा सकते हैं। ओके, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि 10 ईयर्स तक का आप जो है इसका ईएमआई करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका पूरा स्पेसिफिकेशन जानते हैं और शोरूम डिटेल्स तो आपको बता ही चुका हूँ, तो जाइए और अपनी नेक्सॉन ईवी जो कि डार्क में अवेलेबल है आप बुकिंग करा सकते हैं। इनफैक्ट आपको अगर किसी और अगर मॉडल की आपको प्राइस लिस्ट चाहिए होगी तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फुल प्राइस लिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ओके गाइस, तो सामने आप देख सकते हो नेक्सॉन ईवी डार्क जो कि अभी लॉन्च हो चुकी है हमारी पटना में, तो इसका अगर फुल रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसका लिंक, तो जाओ और चेकआउट करो और कमेंट करके बताना कि आपको जो है ये नेक्सॉन ईवी जो है वो कैसी लगी। ओके गाइस, तो प्रॉपर डिटेल्स जो है, जो भी डिटेल्स था, जो भी फाइनेंस डिटेल्स था, इसका वॉक अराउंड था, इसका फुल डिटेल्स जो आपको मेरे चैनल पे मिल रहा है, प्रॉपर डिटेल्स जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आपको कुछ मेरे से अगर छूट गया होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में मैं आपको डिटेल्स अवेलेबल करा दूंगा। इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है वहाँ भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना है यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। तो चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।